फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट आवर व्हाट काइंड ऑफ वर्ड। हो सकता है आपने व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इंग्लिश में ना सुना हो, लेकिन आपने इसमें इसको हिंदी में जरूर सुना होगा, जो इसके हिंदी के मीनिंग होता है किस प्रकार का, इसका हिंदी का मीनिंग होता है किस प्रकार का। सो आज की वीडियो में हम इसी व्हाट काइंड ऑफ पे अपने टोटल वीडियो रखने वाले हैं कि व्हाट काइंड ऑफ होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। हिंदी तो इसको हमें इसकी पता चली गई है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो दो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साइड में बेल नोटिफिकेशन लगाओ, उसे ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और सो गाइस, अब हमें इसे यूज कैसे करना है व्हाट काइंड ऑफ को सेंटेंसेस में, तो हम अपने आते हैं एक पॉइंट पे। चलो तो मैं पहले आपको ये सारे सेंटेंस बताता हूँ कि कुछ एक आध गिने चुने सेंटेंस लेते हैं ऐसे एग्जांपल के लिए। ले लो आप, व्हाट काइंड ऑफ इरेजर डू आई यूज, मैं किस प्रकार का इरेजर यूज करता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल डू आई हैव, मेरे पास किस प्रकार का हेयर स्टाइल है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू आई हैव, मेरे पास किस तरीके का बिजनेस है। तो इस हिसाब से जो हमारे जो सेंटेंस होंगे वो इसी टाइप के पे बेस्ड होंगे। तो अब हमें करना क्या है, अब मैं पहले आपको सारा व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू यूज इस पे सेंटेंस बनाते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू यूज करता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू यूज, तुम किस प्रकार का पेन यूज करते हो। What kind of pen don't you use? तुम किस प्रकार का पेन यूज नहीं करते हो। What kind of pen did you use? तुम किस प्रकार का पेन यूज करे। What kind of pen didn't you use? तुम किस प्रकार का पेन यूज नहीं करे। What kind of pen will you use? तुम किस प्रकार का पेन यूज करोगे। What kind of pen won't you use? तुम किस प्रकार का पेन यूज नहीं करोगे। What kind of pen are you using? तुम किस प्रकार का पेन यूज कर रहे हो। What kind of pen aren't you using? तो तुम किस प्रकार का पेन यूज नहीं कर रहे हो। ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, जिसमें आर यू यूजिंग आया, जिसमें यूजिंग वर्ड है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है। और आप इतने छोटे तो होने की आप समझ ना पाओ डू डिड और विल किस में यूज होते हैं। तो अब मैं बता दूँ, अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप, मतलब अगर आपको कन्फर्म नहीं है, तो डू होता है प्रेजेंट, डिड होता है पास्ट और विल होता है फ्यूचर। विल तो सबको पता ही होता है और डू, लेकिन डिड का थोड़ा लोग कन्फर्म नहीं रहता। और आर वर विल हैव हैड विल, तो आप समझ गए होंगे जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ, तो उसी ऑर्डर से अपने माइंड में याद रखना। तो व्हाट काइंड ऑफ पेन आर यू यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेन आरंट यू यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेन वर यू यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेन वरंट यू यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेन विल यू यूजिंग, What kind of pen won't you be using? अब हमारा आ गया perfect. What kind of pen have you used? What kind of pen haven't you used? What kind of pen had you used? What kind of pen hadn't you used? What kind of pen will you have used? What kind of pen won't you have used? तो हमारे ये कुछ sentences हैं, आप इनको use करके बहुत अच्छे से समझ के और इन्हीं को यूज़ कर सकते हो। ये मतलब सारे, ये तो एक ही सेंटेंस है जो हमने यूज़ करा है। आप अपने मन से हर एक सेंटेंस बनाओ, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से अपने मन से लिखो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल नोटिफिकेशन होगा उसे ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।